साथियों नमस्कार। मैं आज आपको मेरे फार्म पर ले आया हूं और फार्म के ऊपर जो मैं गतिविधियां कर रहा हूं उसका थोड़ा सा विधिवत जानकारी देना चाहता हूं। तो आप आज का ये वीडियो जरूर देखें। जी हाँ मित्रों, ये जो आप रेत का धोरा देख रहे हैं, मिट्टी की जो पाली देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं आपको कुछ ऐसी अनोखी विधि बताऊंगा जो मैं लंबे समय से यहाँ कर रहा हूँ। तो जानते हैं मित्रों लंबी विधि क्या है। देखिए ये बोतल देख रहे हैं आप मित्रों, यह बोतल उल्टी डाली हुई है। ये पेंदा था नीचे का, इसको उल्टा करके अंदर डाल दिया है, अंदर ढक्कन लगा हुआ है और ये पेंदे के चारों ओर मैंने हॉल किए थे। यहाँ मैंने लौकी के बीज लगाए थे, यहाँ तुरई के बीज लगाए थे, यहाँ तुरई के बीज लगाए थे, यहाँ लौकी के बीज लगाए थे। मित्रों ऐसे 7-8 जगह मैंने लौकी तुरई की बेल लगाई थी, तो बहुत सारी लौकियाँ बहुत सारी तुरैयाँ निकली थी और एक तुरई तो अभी भी यही पड़ी है और बहुत अच्छा बहुत स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ से निकला था। अगला मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ इसके अंदर पानी भर दिया जाता था और धीरे धीरे रिस कर पौधे की जड़ के पास चला जाता था, तो लंबे समय तक पानी देने की जरूरत नहीं रहती थी। और इस धोरे के ऊपर मुझे बहुत सारी लौकियां बहुत सारी तुरैयां रोज की 30-35 30-35 लौकियां निकलती थी। पहली उधर थी, दूसरी यहाँ दिखाई मैंने, और अब तीसरी एक यहाँ थी, बच्चों ने निकाल दी, यहाँ थी, यहाँ से बच्चों ने निकाल दी। अब आगे चलते हैं। देखिए ये एक और बोतल है, इसके अंदर भी बच्चों ने रेत डाल दिए और इसके चारों ओर भी मैंने लौकियां लगाई थी। ये लौकियों की मैंने अनोखी विधि कर रखी है कि जो पुराना पड़ा ढोरा है, जो पुरानी पड़ी रेत की मेड़ है, उसके ऊपर भी अपन अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यह एक ऐसी जगह, और एक यहाँ रेत निकल निकल के ऊपर से धस धस के यहाँ आ गई, ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर भी रेत समा गई है, लेकिन यहाँ भी मुझे लौकियां बहुत अच्छी मिली थी। और मैं आपको दिखा देता हूँ खेत की स्थिति। देखिए खेत के अंदर केंचुओं की भरमार है, यहाँ वेस्टर्डी कंपोजर इस्तेमाल किया जाता है। ये मेथी का खेत है, ये मेथी का पौधा है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा मेथी का पौधा है, इसके ऊपर कोई भी तरह का रोग भी नहीं है। देखिए यहाँ भी केंचुए, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये केंचुए की लाइन है, इसके अंदर केंचुआ चला था। ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक मेथी है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए ये यही की तुरही यही लगा दी थी। देखिए ये बोतल है, यहाँ भी मैंने लौकी तुरही लगाई थी। आगे चलते हैं, यहाँ भी लौकी तुरही लगाई थी, बहुत अच्छा उत्पादन मिला था। यहाँ देखिए यहाँ से बोतल निकाल दिए बच्चों ने, देखिए ये बोतल निकाल कर यहाँ डाल दी है। देखिए ये बोतल बच्चों ने तोड़ भी दी, बच्चों ने बोतल तोड़ भी दी है। आप इसके अंदर शायद हॉल देख रहे होंगे। देखिए ये ऐसे होल करके मैंने इसको जमीन के अंदर दबा दिया था, जो भी पानी की आवश्यकता वो धीरे धीरे पौधे की जड़ को मिलती रहे और पौधा स्वस्थ रहे। और पौधे को कम पानी के अंदर मैंने बेलदार फसलें यहाँ लगाई थी, ये दोरे के ऊपर। अब आके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ मैंने एक और जुगाड़ किया है, ये बच्चों ने बोतल डाली थी मित्रों, ये लौकी है। हाँ साथियों ये लौकी ही है, ये पिछली साल की जो लौकी बची थी, इसको मैंने इसके बीज निकाल दिए और अंदर से फोड़ दिया। यहाँ मैंने हॉल किए हैं, भाई दिख नहीं रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं, अंधेरा है अंदर क्योंकि ऊपर बादल छाए हुए हैं। मित्रों इस लौकी को फोड़ कर एक्सा ब्लेड से काट कर मैंने, देखिए ये जो सपाट दिख रहे हैं, इसको काट कर मैंने यहाँ हॉल किए और मिट्टी में दबा दिया और इसके अंदर पानी डाल दिया और यहाँ मैंने लौकियां लगाई थी। अभी भी देखिए ये बेल पड़ी है सूखी हुई, अब तो सूख चुकी है क्योंकि अब ऑक्सीजन भी आ गई है। ये एक यहाँ लगाया है और एक यहाँ लगाया है। देखिए मित्रों या बहुत शानदार बीज भी है इसके अंदर। देखिए ये ऐसे में लंबे समय से यहाँ लौकी लगाने का काम कर रहा हूँ और बिना खेत के इस्तेमाल किए कम पानी में इस मेड़ के ऊपर मैं लौकियां ले रहा हूँ। मित्रों लौकी अभी ही निकाली है, तकरीबन 25 दिन हो गए, यहाँ कचरा भी इकट्ठा करके रखा है। और देखिए यहाँ मैंने एक जो लकड़ी लगाई है, इस लकड़ी के ऊपर मित्र कीट आके यहाँ बैठते हैं। आप नीचे देख सकते हैं ये मित्र कीटों का कचरा जो नीचे गिरा है, बैठने के बाद जो आहार किया था उन्होंने, ये यहाँ उन्होंने पोटी की है। ये लौकी की बेल
मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। अरे वाह, बहुत सारी तुरैया भी अंदर पड़ी है। देखिए ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक लौकियां हैं, तुरैया हैं, और ये लौकी की बेल। देखिए मित्र, अभी भी पत्ते अभी भी एकदम गीले गीले से ही लग रहे हैं, अभी ही निकाली है। मित्रों यह है एक मैंने मेड़ के सहारे, ढोरे के सहारे, पाली के सहारे, जो अभी 2 साल पहले ही हमने बनाया था ये पाली, और इसके ऊपर मैंने एक नैवाचार किया है। इस विधि से मित्रों मैंने इन बेलों से तकरीबन एक दिन की 35-35 लौकियां निकाली है। मित्रों जरूर बताएं अपनी राय इस मेरी अनोखी विधि के बारे में। मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से कुछ नया वीडियो और आपके सामने लेकर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहरी,